बिहार के चंपारण से 1 जून को पेंशन पुरुष विजय बंधु जी की अगुवाई में जो आंदोलन शुरू हुआ था, वह आंदोलन यूपी बिजनौर से होते हुए बालावाली बॉर्डर को पार करते हुए उत्तराखंड में प्रवेश कर गया। रुड़की में पेंशन रथ का भव्य स्वागत हुआ। पुरानी पेंशन बहाल करो रुड़की रेड कारपेट बैंक्वेट हॉल में एक जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। ये रथ यात्रा हरिद्वार से होते हुए ऋषिकेश जाएगी और ऋषिकेश से देहरादून पहुंचेगी। इसका समापन 1 अगस्त को दिल्ली में होगा। इसे देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में जो सरकार की किरकिरी हुई है, ये हवा उत्तराखंड में भी आ चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। पेंशन बहाली आंदोलन के जनक विजय कुमार बंधु को और ब्लॉक अध्यक्ष मनमोहन सिंह आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। पेंशन रख क्या आए हैं, मैं उनको सबको नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ और उत्तराखंड की देवभूमि में उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पेंशन रख क्या के इस पॉइंट जिनके सौजन्य से आज हमें यहाँ सभागार प्राप्त हुआ, ऐसे महान आज के मैं कहूँगा दानी हमारे आदरणीय श्री सैनी साहब का भी मैं हार्दिक आभार अभिनंदन अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने पेंशन की को समझा, जिन्होंने समझा कि पेंशन कितनी महत्वपूर्ण है इस समाज के लिए, कर्मचारी वर्ग के लिए, अधिकारी वर्ग के लिए, शिक्षक के वर्ग के लिए, और उन्होंने दिल खोलकर चाहे शादी का साया है, चाहे सिर्फ शादी के उसको देखते रहिए। डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।